आगे बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, ऑन 30th सितंबर अ बिजनेस हैड एन ओपनिंग इन्वेंट्री। ऑन 30th सितंबर अ बिजनेस हैड एन इन्वेंट्री, ओपनिंग नहीं है सॉरी, क्लोजिंग है 30th सितंबर, गुड फॉर रीसेल विच हैड कॉस्ट 23। बताओ कॉस्ट कितनी है 23। दिस इंक्लूडेड गुड्स, 23 में एक 1000 की गुड्स भी शामिल है जो कि डैमेज है, इनको डाउन ओनली बी सोल्ड फॉर 700 आफ्टर पेइंग रीपैकिंग कॉस्ट ऑफ 50। अब जरा सिनेरियो समझे, 23,000 का टोटल स्टॉक पड़ा हुआ है जिसमें से 1000 वाला स्टॉक भी शामिल है जो कि डैमेज हो चुका है, वो कितने का बिक सकता है 700, और 700 का भी कब बिकेगा जब रीपैक करना पड़ेगा, रीपैक की कॉस्ट क्या 50। बताओ बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कितने पे आएगी, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कितने पे आएगी। पहले तो ये बताओ यार ये जो इन्वेंट्री है 1000 इसकी कॉस्ट है और इसकी NRV कितनी, NRV है 700 का बिकेगा कब, जब 50 खर्च करेंगे तो 700 फेयर वैल्यू माइनस 50, NRV है 650, खरीदी है 1000 की, NRV है 650। बताओ लोअर वैल्यू कौन सी है, लोअर वैल्यू है 650। तो हम क्या करेंगे 23,000 में से 1000 माइनस कर दें तो कितना रह जाएगा 22,000, तो बाकी इन्वेंट्री है। अब 22,000 में हम 1000 की जगह क्या ऐड कर देंगे 650, तो ये आ जाएगा 22,650। 23 की जो वैल्यू है उसमें से पहले 1000 माइनस कर दो 22 हो जाएगी, 22 में 650 ऐड कर दें तो आ जाएगा 22,650। यार एक और भी इसका आसान तरीका था, बताओ कॉस्ट और NRV दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आ रहा है 350 का, मतलब लॉस कितना हो गया, 1000 की चीज 650 की रह गई, लॉस कितना हो गया 350 का। तो क्या करो भाई 23,000 में से सीधा 350 माइनस कर दो जितना लॉस हो गया, तो क्या आ जाएगा 22,650। बात समझ में आ रही। क्वेश्चन नंबर 4।